आपका घूमना फिरना चलना सब कुछ बंद। पता है आपको, हम सबको आपकी कितनी चिंता हो गई थी। जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी कोई चिंता नहीं करना है। सुबह सुबह क्या हुआ, क्या हुआ? रुक, तुम्हारे सहनी आ गए। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? पेशाब, पेशाब। अरे अरे सुबह, ये सहनी इडियट मुझे क्यों फोन कर रहा है? लाओ मुझे दो, मैं देख कर बताता हूँ। शिव, एक फालतू से फोन के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? I'm sorry, ऋषि, मैं जरा ओवर रिएक्ट कर गई। वो एक्चुअली दादाजी के टेंशन की वजह से। बट ट्रस्ट मी, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं था। तुम देखो, चेक करो प्लीज। डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू। मुझे नहीं देखना, फॉरगेट इट। खाना खा ले। हाँ चलो। अरे ये सलाहकार ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया होगा? हे भगवान, अब उसको ये स्टोरी मैं कैसे समझाऊं कि मैं वो सुबह को माधवपुर लेके जाऊं, उससे पहले ही वो लुच्ची सुबह मुझे चकमा देकर भाग गई। हे भगवान, सेवंती लाल, अब तेरा क्या होगा? अगर वो सुबह भागते भागते पारेक हाउस पहुंच गई तो सेवंती लाल, तेरी तो बिना रील की फिल्म उतर जाएगी। और दादाजी, दादाजी तो डिशु डिशु डिशु। हे भगवान, और वो लुच्ची सलाखा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ सुबह को ढूंढ और पता सलाखा को देता। ए भाई साहब, आपने वो सुबह को देखा है? सुबह को पागल है क्या? अरे पागल हूँ नहीं, लेकिन पागल हो जाऊंगा। अगर वो सलाखा ने कुछ आड़ी टेढ़ी बात की ना, तो तू सबको बता देना कि इसके पीछे वो सलाखा ही है। हाँ, अरे ये सलाखा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सलाखा, फोन उठा, वरना मेरी फिल्म और तेरी शादी दोनों का एक साथ पैकअप हो जाएगा। इस कमरे को भूल तो नहीं गई हो ना तुम? नहीं तो, बस तब सब कुछ अपना होकर भी पराया लगता था। यकीन दिलाना पड़ता था सबको, अपने आप को, और अब यकीन आ गया कि इस घर ने मुझे अपना लिया है। ऋषि, यशलक, अब तुम इस घर की हो और ये घर भी तुम्हारा है। ऋषि, जब इस घर ने मुझे अपना ही लिया है तो तब हम दोनों के बीच ये दूरी की दीवार क्यों? मैं जानता हूँ शलक, लेकिन जब तक सुबह नहीं मिल जाती। ऋषि, कब तक हम दोनों के बीच सुबह का नाम आता रहेगा? तब तक जब तक मैं सुबह को सही सलामत दादाजी के सामने खड़ी नहीं करता। तुम जानती हो ना, मैंने दादाजी से प्रॉमिस किया है, बस एक बार मैं ये प्रॉमिस पूरा कर लूं, फिर थोड़ी ना मैं तुम्हें इस गेस्ट रूम में रहने दूंगा। सच? सचमुच, एकदम सच। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रही हो। हाँ बाबा, अगर मैं मेरे ऋषि को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? दैट्स लाइक माय गर्ल। गुड नाइट। नहीं, एक्टिंग करनी पड़ती है। गॉड, वो एक्टिंग से वो फ्लॉप एक्टर सनी याद आ गया। बार बार फोन कर रहा था मुझे। हेलो, हेलो सलाखा, हेलो 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 सलाखा, वो सुबह ना। हेलो 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 हेलो, ये नेटवर्क में ना फोन काट दिया। हेलो हेलो, पानी दो? नहीं नहीं हल्दी वाला दूध ले आऊं?
नहीं 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 हडो, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात कहूं, मुझे और खासकर ऋषि का बहुत अच्छा लगा कि आपने शलाका की बात मान ली। अरे भाई, वो तो मैंने इसलिए खाना खाया कि मेरे साथ तुम लोग भी खाना खा लो, पर उस लड़की पर आज भी मुझे भरोसा नहीं है। हाँ लड़ू, पता नहीं क्यों उसे देखते ही दिमाग में बहुत सारे शक पैदा हो जाते हैं। बस अब तो महादेव जी की कृपा हो और सुबह मिल जाए, वरना इस बीपी की गोली से किसे दोस्ती करनी है। महादेव जी पर भरोसा रखिए, सुबह जरूर मिल जाएगी। और हाँ, जिस दिन सुबह मिल जाए ना, उसी दिन आप सारे शिकवे गिले भुलाकर रसिक को बुलाकर कह दीजिए कि आप ऋषि और शलाका की शादी के लिए तैयार हैं। नहीं लाडो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। अरे, अपने ऋषि की खुशी के लिए भी नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऋषि और शलाका दोनों ने कहा है कि जब तक घर के सभी लोग राजी नहीं हो जाएंगे, वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं आप पे दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। देखो, मेरा जी बहुत बेचैन हो रहा है, इसलिए मैं जरा लॉन में टहल कर आता हूँ। अरे अरे, मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, पूरे दिन की थकी हुई होगी, मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे सुबह भाग गई? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। वो सांप 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 ऐसे कहते कहते मुझे डस कर भाग गई। तो फिर मुझे क्यों फोन कर रहे हो तुम? एक नंबर के निकम्मे हो, एक लड़की को कैद करके नहीं रख सके। अब जाओ ढूंढो उसे, अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सैनी, देखो मुझे धमकी मत दो, मैंने उसे जानबूझ कर नहीं भगाया है। अरे वो बहुत चालाक है, मुझे चकमा देकर भाग गई। वो चालाक नहीं है, तुम बेवकूफ हो, जानते नहीं हो तुमने क्या किया है। अब मेरी बात अच्छे से सुन लो, उसने सिर्फ तुम्हें देखा है, मुझे नहीं। वो नहीं जानती कि उसे मेरे कहने पे तुमने किडनैप किया, इसीलिए ये बात तुम्हारे जुबान पे नहीं आनी चाहिए। और इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम एक फिल्म नहीं, पांच पांच फिल्म बना सकते हो। समझ गए ना तुम सैनी? ठीक है, अब जाओ, जाके ढूंढो उसे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। और मैं हेलो, तुमने सुबह का किडनैप करवाया, यानी मेरा शक सही निकला। अब मैं ये बात सारे घर वालों को बता दूंगा और ऋषि से कहूंगा कि पुलिस को बुला के फौरन तुम्हें अरेस्ट करवाए। तुम देखना तुम्हें मैं कैसी सजा दिलवाता हूँ। दादाजी, दादाजी, मुझे इस बुड्ढे को रोकना होगा, पर कैसे? Let's go.
पुट्ठा तो गया, अब मैं क्या करूं? दादाजी ऋषि 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 बाबूजी जल्दी आइए, ऋषि बाबूजी को देखो क्या हुआ? बाबूजी दादाजी बाबूजी क्या हुआ? दादाजी बाबूजी दादाजी क्या हुआ? क्या बाबूजी को क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है हमको शौक लग गया। माय गॉड उठाओ ऋषि, अंदर ले चलो, चलो उठाओ उनको। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप पैरों पर मालिश करते रहिए। अरे क्या हुआ बाबू जी को? देखो ना बगला बहू क्या हो गया इनको, महादेव जी इनकी रक्षा करना। ऋषि ये दादाजी को क्या हो गया? रविश भाई वो दादाजी को लॉन में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। लॉन में खुला वायर आया कहां से? ये सब बहस करने का वक्त नहीं है, उठाओ इनको, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सासे चल रही है अभी भी, आराम से। मामा शांत हो जाइए, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। अगर ये पुट्ठे को होश आ गया और इसने सब बता दिया तो तब तो क्या करेगी शलाका? बकुल बहू तुम्हारे बापूजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज शांत हो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं लबो। हाँ लाडूबा कुछ नहीं होगा दादाजी को, और पापा ने कहा ना कि उनकी सांसें चल रही है, देखना दादाजी जल्दी ठीक होके आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सारी गलती मेरी है, मैंने क्यों उन्हें अकेले जाने दिया बाहर, मैंने क्यों उनका कहा माना और साथ नहीं गई। अब फिक्र मत कीजिए लाडूबा, आप विश्वास रखिए दादाजी को कुछ नहीं होगा, है ना शलाका? शलाका क्या सोच रही हो? शलाका शलाका ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वही थी ना जब दादाजी को शॉक लगा? नहीं नहीं इलाहा भी, जब मैं वहां गई ना तो दादाजी ऑलरेडी उसी हालत में वहां गिरे हुए थे। चलो एटलीस्ट तुम वहां पहुंच तो गई और तुमने देख लिया दादाजी को, अगर हम लोग और लेट पहुंचते तो शायद दादा। इलाहा प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना मत रोइए, रूम में जाके आराम कीजिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलिए बात चलिए। लेकिन देखो रविश आ जाए तो मुझे बता देना कि क्या हुआ। सर चलिए आराम कर लीजिए बात। ओ गॉड मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अगर इस पुट्ठे को कुछ हो गया तो बेटर यही है कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हाँ नहीं नहीं तब तो सीधा डाउट मुझ पर ही आएगा। शलाका क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? लगता है कि ये हादसा देखकर तुम बहुत डर गई हो, जाओ जाओ अंदर जाकर आराम कर। हाँ जाओ। दादाजी तो ठीक है ना? दादाजी को होश आया? उन्होंने कुछ बोला? दादाजी को होश आ गया है। स्टूपिड चालाका, ये तूने क्या किया? ये गलती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे कुछ और क्यों नहीं समझा? अब क्या होगा, अब क्या होगा? God knows। काम करते हो ऋषि को फोन करते हो, पता तो चले वो बुट्टा जिंदा है या
या मेरी जान लेकर मरेगा। ऋषि कम ऑन, सिर्फ तो फोन उठाओ ऋषि। उस बुड्ढे को होश आ गया तो और उसने सबको सच्चाई बता दी होगी तो मैं नहीं नहीं शलाका, इसके पहले तेरे लाइफ में अंधेरा हो जाए, सवेरा होने से पहले तो यहां से भाग जा। हाँ भाग जाते हो, इस घर से भाग जाते हो। भाग जाऊंगी सवेरे। शलाका, शलाका, क्या हुआ ऋषि? क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया, दादाजी ने मुझे सब बता दिया। क्या कह रहे हो तुम ऋषि? वही जो सच है, दादाजी होश में आ गए और मैं भी होश में आ गया। सब जानता हूं कि तुम्हें सुबह का किडनैप करवाया था और दादाजी को मारने की कोशिश की। नहीं ऋषि, ये तुमने सही नहीं किया शलाका। तुमने अपनी दोस्त को धोखा दिया है, अपने प्यार पर विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं ऋषि, ऋषि सच नहीं है। सच नहीं है, सच नहीं है। सवेरे तक यहाँ रुकना सही नहीं है। मैं अगर वो बुड्ढे को होश आ गया तो सबको सच बता देगा और मुझे सवेरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भाग जाना चाहिए वरना मुझे भाग जाना चाहिए। क्या हुआ ऋषि? लगता है बुड्ढा गया। दादाजी तो ठीक है ना? दादाजी को होश आया? उन्होंने कुछ बोला? ये क्या हुआ? किसने किया? मतलब कैसे हुआ? बोलो ना ऋषि। दादाजी को होश आ गया है। उन्होंने अपनी आंखें तो खोली मगर मगर क्या? मगर इस हादसे की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और इसी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आया है। दादाजी की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, ना ही वो कुछ बोल पा रहे, ना ही हिल पा रहे। ओह नो ऋषि। यस, इसे कहते हैं जैकपॉट। बारे किस्मत, हारी हुई बाजी फिर से जीता दी। अब इस बुड्ढे को मैं कभी ठीक नहीं होने दूंगी। रात में कौन हो सकता है?
रुको, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, टर्न करो। प्लीज रोमन, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दादाजी की सांसें चल रही है ना? और अगर अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो लाडू बाकू कौन संभालेगा? तुम सही कह रहे हो शलाका, नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। शलाका, तुम इतनी रात को ये बस लेकर कहां जा रही थी? मैं हॉस्पिटल आ रही थी ऋषि। हॉस्पिटल क्यों? लाडू बांधर रो ही जा रही थी और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी ऋषि, इसलिए मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में आ जाती हूँ और दादाजी से मैं मिल लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, फिलहाल दादाजी ऑब्जर्वेशन में और उन्हें किसी से मिलने नहीं देंगे। बोलो। चलो ये भी सही है, उठा किसी को मिलेगा नहीं और बताएगा भी नहीं। भगवान की भी क्या सही टाइमिंग है, सही टाइम पे पैरालाइज्ड कर दिया है उस बुड्ढे को और जुबान म्यूट कर दी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? चलो अंदर चलते। कौन हो सकता है? रुको, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, टर्न करो। तू बात तो नहीं कर सकता मगर सुन तो सकता है ना? तो सुन, अब तो तू मरेगा और तुझे मैं मारूंगी।